हेलो, आई एम डॉक्टर अयूबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रस्टविन फार्मा। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये बोल्ड केयर कंपनी की सर्ज नाम की दवाई। ये टेबलेट्स जो आप देख रहे हैं क्रिम्सन रेड कलर की, ये इस बॉक्स से मैंने ली है और ये बोल्ड केयर नाम की कंपनी की है। तो ये मेरा एक रिव्यू है। इसका रिव्यू करने का ख्याल मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि मैं एक ऐसी दवाई ढूंढ रहा था मार्केट में जिसमें टोंकेट एली हो और ये काफ़ी अच्छी जड़ी बूटी है जिसके बारे में लैब में भी काफ़ी खोजबीन की गई है और इसके बारे में बताया गया है। तो गाइज, इस जड़ी बूटी के बारे में मेरा विशेष अध्ययन रहा है और ये जड़ी बूटी कई और जगह पर भी आपको मिल जाती है, कई और दवाइयों में जैसे कि हैमर ऑफ थॉर में। लेकिन आज का मेरा रिव्यू बेस्ड है बोल्ड केयर की सर्ज पे। तो शुरुआत करते हैं इसके फायदों से। तो गाइज, इसके ऊपर सीधा लिखा है जो कि आप देख सकते हैं बोल्ड केयर सर्ज, और नीचे लिखा है इरेक्शन सपोर्ट, यानी इस दवाई को कंपनी ने टारगेट करके बनाया है नपुंसकता के लिए, यानी लिंग का ढीलापन, यानी कि लिंग में इतना भी इरेक्शन ना आ पाना जिसकी वजह से संभोग हो सके, यानी लिंग में बिल्कुल भी कड़ापन ना पाना जिसको मेडिकल की भाषा में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, उसके लिए बनाया गया है। ये कैसे हेल्प करती है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसके और क्या लाभ हैं? तो गाइज, आप यहां पे देखिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं पढ़ के भी बता देता हूं आपको। इसमें लिखा है लॉन्गर इरेक्शंस, यानी कि ज्यादा समय तक इरेक्शन बना रहेगा। क्विक रिकवरी, यानी एक बार संभोग करने के बाद आप दोबारा से संभोग के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। बूस्ट एनर्जी, थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी और इसके अंदर आपकी डेली रिक्वायरमेंट के लिए विटामिन्स भी डाले गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप किसी भी वजह से नपुंसकता के शिकार हैं, आपको कोई बीमारी हो गई है या फिर आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है या फिर आपने इतना अधिक मैथुन किया है, इतना अधिक स्त्री संसर्ग किया है जिसकी वजह से लिंग में ढीलापन आ गया है, उसमें ये काफी लाभ देने वाली दवाई बताई जाती है। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या रहेगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, फिलहाल मैं आपको इसकी खासियतें बता रहा हूं। सेकेंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है वो है इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। तो गाइज, इसके अंदर गोखरू, कोंच बीज और शिलाजीत है, शतावरी, ये चार बूटियां तो वो ही हैं जो अक्सर आपको देखने को मिल जाती हैं। पर ठहरिए, इसके अंदर है एल आर्जिनिन, ये एक बहुत स्पेशल प्रकार का केमिकल होता है जो बॉडी में नेचुरली भी बनता है और बॉडी का मसल मास बढ़ाने में योगदान देता है। इसके अलावा डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमें रोज कितने विटामिन की जरूरत होती है उसके हिसाब से इसमें विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन D3 और फॉलिक एसिड विटामिन B3 का भी यूज किया गया है। अब हम आते हैं अपने मुख्य आकर्षण पर और वो है दो जड़ी बूटियां जिनका मैंने शुरू में नाम नहीं लिया, हॉर्निक गॉटवीड जो कि इसमें 100 मिलीग्राम डाला गया है और दूसरी चीज है इसमें टोंकेट एली, वो भी इसमें 100 मिलीग्राम यूज किया गया है। तो ये एक टेबलेट की मात्रा है, यानी एक टेबलेट के अंदर 100 mg आपको टोंकेट एली और 100 मिलीग्राम आपको हॉर्निक गॉटवीड मिलता है। गाइस, अगर आप चाहें तो इनके बारे में नेट पर भी स्टडी कर सकते हैं और टोंकेट एली की जो एफिकेसी है वो एकदम प्रूवन है। मैंने शुरू में बात छोड़ दी थी कि कैसे काम करती है, तो इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाकर मैं आपको बात बता देता हूं। नपुंसकता जो रोग होता है, लिंग का ढीलापन इसलिए होता है क्योंकि जो लिंग की जो नसें यानी कि ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ब्लड का जाना कम हो जाता है, उनकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है। जो टोंकेट एली और हॉर्निक गॉटवीड है वो ऐसे केमिकल्स रिलीज करती हैं जैसे कि सिल्डेनाफिल सिट्रेट यानी वियाग्रा, जिसकी वजह से लिंग की जो ब्लड वेसल्स हैं वो फैल जाती हैं, उनमें ब्लड ज्यादा भर जाता है और लिंग में इरेक्शन आने में हेल्प होती है। तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसके इंग्रेडिएंट्स। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल का तरीका। ये 60 टेबलेट्स का पैक आता है और आपको इस्तेमाल करनी है एक टेबलेट सुबह नाश्ते के बाद और एक टेबलेट रात को खाने के बाद, यानी आपका एक महीने की ये डोज पूरी इसके अंदर मौजूद है।
इसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, 4 महीने तक आप यूज कीजिए, उसके बाद कम से कम एक बार अपने निजी चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। गाइस थोड़ी सी बात आगे बढ़ने से पहले मैं इसकी पैकेजिंग पर करूंगा। इसकी पैकेजिंग कंपनी ने न सिर्फ बहुत अच्छी बनाई है, मैं काफी पसंद करता हूं उसकी पैकेजिंग को। एक साइड में आप देख रहे हैं इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, क्लियरली लिखा है रिकमेंडेड डोज कितनी है और इसके बारे में लिखा है कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो ये जो कंपनी का प्रोडक्ट है ये दो जैसे बोल्ड किया तो एक तरह से ब्रांडिंग हो गई। साथ में इस पर लिखा गया है कि एक तो ये यूनाइटेड लेबोरेटरीज और ऑडिटी हेल्थ केयर का ये प्रोडक्ट है और इन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स डिटेल में हमें बताई है। इन्होंने इसका FSSAI लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट सब बताई है। साथ ही ये भी लिखा है कि ये 1.5 साल बाद इसकी एक्सपायरी हो जाती है। तो मैं कहूंगा कि वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे ज्यादा ढूंढने पर भी इस पर वेबसाइट और कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं मिला। तो मैं कहना चाहूंगा कि वो इसकी ओरिजिनलिटी में कहीं ना कहीं एक लूप की तरह है, यानी हमें थोड़ा सा शक पैदा करता है। इसकी प्राइस थोड़े से ज्यादा है मार्केट में, जो हिमालय की कंपेटिटिव दवाइयां आती हैं, हम कह सकते हैं कॉन्फिडो या स्पीमेन आदि के रेट इसकी तुलना में बहुत ज्यादा कम है। अब मैं अपने पर्सनल रिव्यू की बात करूंगा तो गाइज मैं कहना चाहूंगा अगर आपकी एज कम है, अगर आप 30 के अंडर में है और आपको थोड़ा बहुत इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो ये आपकी हेल्प कर सकती है। बट अगर आप गंभीर नपुंसकता के शिकार हैं तो अकेले बोल्ड केयर की सर से आपको फायदा नहीं होगा, इसके साथ आपको और भी एक्सेसरी मेडिसिन लगानी पड़ेंगी। तो दवाई ठीक है लेकिन जरूरत है कि आपको इसके साथ और भी मेडिसिन यूज करने की। तो आज की वीडियो में तो बोल्ड केयर के सर्च के बारे में इतना ही, और वीडियो में मैं आपके लिए नए नए रिव्यू लेकर आता रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस ऐसे ही मिलते रहें। तो मुलाकात होगी फिर से एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।